हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आपकी बहुत बड़ी डिमांड पर मैं जो है आज आपके सामने चैप्टर लेकर आया हूँ, आयत एवं वर्ग। आपको आयत एवं वर्ग पे फुल कॉन्सेप्ट दूंगा। आयत क्या होता है, आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक एक प्रश्नों का आपको एकदम अच्छे तरह से मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि सर सेकेंड सेमेस्टर का आयत एवं वर्ग जो चैप्टर है उसको क्लियर करवाइए। तो दोस्तों, वादा करता हूं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर आप कहिएगा, बस आप लास्ट तक वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो आइए ज्यादा ना देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। ऐसा कि दोस्तों आपका पहला टॉपिक है, देखिए, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आयत क्या होता है। पहला आपका टॉपिक क्या होता है आपका, देखिए, आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। तो देखिए, आयत का होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। क्या होता है मेरे दोस्त, चार भुजाओं, एक आयत होता है, जैसे मैंने, ये आयत है आपका, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका आयत है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, चार भुजा हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा आपका ये हो गई, चार भुजा हो गई। तो ध्यान रखिएगा, चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो। कहने का मतलब, अगर ये भुजा चार होगी तो ये भी भुजा चार आपकी होगी, ये दो होगी तो ये भी आपकी क्या होगी, दो होगी। बात समझ में आया। तो चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश हो, कितने हो, 90 अंश, सभी कोण आपके कितने हो, 90 अंश हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयत कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश के हो, और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। समझ में आपको आया होगा दोस्तों, आयत क्या होता है, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के और आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका आता है, देखिए, एक वर्ग। क्या आता है मेरे दोस्तों, वर्ग आता है। अब दोनों चीजों को मैं साथ में लेकर के चलता हूं, एक तरफ मैं आयत कर लेता हूं और एक तरफ आपका क्या बना लेता हूं, वर्ग बना लेता हूं। वर्ग को इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आयत का परिभाषा मैंने ये बताया कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोण कितने हों आपके, 90 अंश के हों, क्या हो आपका, 90 अंश के हो, और आमने सामने की, इसके सामने की भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों, आयत कहलाता है। ये समझ में आया। वर्ग में क्या होगा, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण कितने हो, 90 अंश के हो, और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। क्या मेरे दोस्तों, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके चारों कोण 90 अंश हो और सभी ये जो भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं क्या हो आपकी, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। बात समझ में आई होगी। आयत क्या होता है, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे आयत कहते हैं, और इसका भी एंगल 90 अंश होगा, इसका भी एंगल 90 अंश होगा। लेकिन इसमें फर्क क्या है, कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके सभी कोण 90 अंश और सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं मेरे दोस्तों वर्ग। तो आपको समझ में आया होगा। आगे की हम लोग बात करते हैं कि आयत का जो होता है आपका परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, पहला चीज देखिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। जैसे अगर ये भुजा ए होगी तो ये भी भुजा ओ ए होगी, ये भुजा बी होगी तो ये भी भुजा होगी,
भी होगी, क्योंकि ये भुजाएं, ये अपने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भी भुजाएं, तो इन सभी भुजाओं का जो योग करेंगे वही क्या होगा मेरे दोस्तों, आयत का परिमाप होगा। तो इसको अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो इसको जोड़ लें तो देखिए ए ए दो बार है तो टू ए प्लस टू बी है, तो यहाँ टू अगर कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए क्या होगा, इसकी एक लंबाई होगी और इसकी क्या होगी चौड़ाई होगी, तो आयत का परिमाप हो जाएगा टू लंबाई और प्लस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों चौड़ाई। ये समझ में आया क्या, आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, इसकी तो भुजा अगर चारों बराबर है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो वर्ग का परिमाप, किसका फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, तो क्या होगा चारों भुजाएं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना, एक दो तीन चार ठो हैं तो फोर इंटू एक कर सकते हैं बराबर चार, ए यहां पर क्या है आपकी भुजा है, तो फोर इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भुजा, तो वर्ग का परिमाप फोर इंटू भुजा और आयत का परिमाप टू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर थी और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। ये बात समझ में आया। अगले क्यों, अगला आपका आता है आयत का परिमाप हो गया, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए a इंटू बी मतलब लंबाई ये हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुरुत्व क्या होती है चौड़ाई होता है, क्या होता है देखिए लंबाई गुरुत्व चौड़ाई, क्या होता है मेरे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुरुत्व चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर आपकी ये भी भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, तो लंब ए है तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए बराबर क्या होगा ए का स्क्वायर, तो ए क्या थी आपकी, ये बराबर, ये भुजा है ना, भुजा है कि नहीं, तो यहाँ हो जाएगा देखिए भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लंबाई अलग थी चौड़ाई अलग थी, इसलिए हो गया लंबाई गुणते चौड़ाई। और अगला आपका क्वेश्चन बनता है, अगर इस पर एक विकर्ण हम डाल दें क्या होगा आपका, इस प्रकार से ये विकर्ण डाल दें, यहां से इस पे अगर विकर्ण डाल दें तो आयत का विकर्ण क्या होगा, तो अगर ये 90 अंश का है तो क्या इसमें, इसमें अगर मैं पाइथागोरस, तो इस फॉर्म में बन रहा है क्या है? इस फॉर्म में ये 90 अंश है तो ये बी है तो आपका ये ए है, तो ये क्या होगा कर्ण होगा, तो पाइथागोरस नहीं लगा देंगे, तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर मतलब कर्ण बराबर, मतलब कर्ण क्या है आपका, ये विकर्ण है, विकर्ण ही तो है यहां पर, ये आपका विकर्ण ही है, तो विकर्ण किसका आपका, आयत का विकर्ण, किसका मेरे दोस्त आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में ए, ए क्या था आपका लंबाई थी, तो यहां पर लिख देंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या था आपका चौड़ाई थी, तो लिख देंगे चौड़ाई का स्क्वायर, ये लिख देंगे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, समझ में आया। अब अगर आपका आया वर्ग का विकर्ण, किसका मेरे दोस्त वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, अगर इसमें समय डालूं तो ये भी तो आपका इसी फॉर्म में बनेगा, लेकिन इसकी भी लंबाई a थी, इसकी लंबाई a थी, तो दोनों a है क्योंकि ये दोनों आपकी क्या है आपका बराबर है, तो ये विकर्ण कर देंगे, अगर आपका विकर्ण अगर हम करें तो यह मतलब करेंगे मतलब ये कर्ण हम ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो ये कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, कड़ी में टू ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर से एक ए तो बाहर निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ए कड़ी में टू मतलब भुजा कड़ी में टू, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है मेरे दोस्तों भुजा करड़ी में तीन। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इतना ही चीजें आपसे पूछ देगा कि एक जैसे वर्ग में पूछेगा एक वर्ग की लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो या फिर विकर्ण ज्ञात करो, तीन चीज पूछा जा सकता है। और आयत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना है तो उसका परिमाप ज्ञात करिए, या उसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, या फिर आयत का विकर्ण ज्ञात करिए, इतने ही प्रश्न आपसे पूछ देंगे, या फिर आपसे आयत का क्षेत्रफल दे देगा, चौड़ाई दे देगा तो लंबाई पूछ देगा, अगर लंबाई दे देगा तो आपका चौड़ाई दे देगा। तो आइए इस टाइप के जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज मैंने से गलती यहां पर हो गई है कि जो आयत का वर्ग का जो विकर्ण है मैंने भुजा करणी में तीन लिख दिया, ये गलत है दोस्तों। मैंने पता नहीं कैसे मिस्टेक्स हो जाता है, लेकिन भुजा करणी में दो होगा क्योंकि यहां पर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था भुजा करणी में दो होगा। ठीक है, तो इस चीजों को उम्मीद करता हूं आप हमें क्षमा कर देंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं गलती ना हो, लेकिन ना जाने कैसी गलती हो जाती है दोस्तों, इसके लिए क्षमा करिएगा। चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन क्या करा, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, एक आयत बना लूंगा, ये आपका आयत बन गया। अब इसकी जो आपकी लंबाई है ये है आपका देखिए 12 और ये किया है 7 दिया है। तो आयत की देखिए लंबाई बराबर कितना दिया, देखिए 12 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई बराबर कितना, देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है मेरे दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तभी आपको हमने बताया कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए लंबाई गुणोत्तर क्या होता है आपका, देखिए चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई कितना है देखिए 12 और चौड़ाई कितना है देखिए 7, 12 सत्य कितना हो जाएगा 84 वर्ग मीटर, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 84 वर्ग मीटर, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल, एक आपका आयत है इसका जो क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई मतलब ये जो दिया है आपका 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग चलिए हल कर लेते हैं। देखिए आयत की लंबाई कितना दिया है मेरे दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल आपसे दिया है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, देखिए 48 वर्ग मीटर, यही दिया है। तो आपसे चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणोत्तर चौड़ाई, तो यहां पर हम लिख लेंगे देखिए लंबाई गुणोत्तर चौड़ाई, जब इन दोनों का हम गुणा किए होंगे तभी तो आपका 48 आया होगा। जैसे देखिए यहां पर 12 सत्य 84 दिया है, अगर यहां पर आपसे दे देता कि आयत का क्षेत्रफल 84 दिया है तो आपसे पूछ देता चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई हम यहां नहीं निकाल लेते, 12 का फिर यहां 12 में भाग देते तो साथ ही आता कि नहीं आता। तो वैसे ही यहां पर लंबाई गुणोत्तर चौड़ाई जब गुणा कर रहे हैं दोनों का तो आपका आया है कितना, देखिए 48 आया है। अब आपसे पूछ रहा है ये चौड़ाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई आप यहीं ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई आपका 8 दिया है तो लंबाई की जगह पर 8 गुणोत्तर चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 48, तो चौड़ाई बराबर अगर करेंगे तो ये 48 बटा कितना हो जाएगा, देखिए 8, तो 8 छके 48, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 6 क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर दिया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों कि एक आयत का क्षेत्रफल 5.4 मीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए उसकी लंबाई और आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए आपका हम कर लेते हैं, एक आयत है, चित्र बना करके आपको समझाते चलते हैं, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। अब इस आयत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना दिया है 5.4 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दिया हुआ था, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे चौड़ाई कितना दिया है 1.5 मीटर, क्या दिया है चौड़ाई आपका 1.5 दिया है, और क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 5.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणोत्तर चौड़ाई, तो यहां पर हम लिख लेंगे देखिए लंबाई गुणोत्तर क्या हो जाएगा आपका, देखिए चौड़ाई बराबर कितना, देखिए 5.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए चौड़ाई दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है, देखिए यहां पर पहला चीज आपका लंबाई पूछा है, तो लंबाई हमको ज्ञात करने के लिए चौड़ाई क्या दिया, देखिए 1.5 दिया है बराबर 5.4 मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें लंबाई ज्ञात करता है ना है, तो लंबाई बराबर 5.4 बटा के 1.5 हो जाएगा। तो इसमें अगर आप भाग देंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए दशमलव, अगर इसमें देखिए 10 का गुणा कर दीजिए दशमलव आपका हट जाएगा, तो आपका आएगा देखिए 54 बटा के 15 हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 45 × 9 = 96, 3.6 मीटर आएगा, कितना आएगा 45 × 3.6 मीटर आएगा लंबाई। अब आपसे पूछ रहा है देखिए परिमाप, सेकेंड वाले को अगर हम लोग सॉल्व करें तो आयत का परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि आयत का परिमाप
पेरीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए टू लंबाई प्लस एल प्लस बी लिखते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो टू लंबाई अभी आपका लोगों से कितना निकाला, 3.6 निकाला, प्लस बी चौड़ाई कितना आप लोगों ने दिया था देखिए 1.5, तो हो जाएगा दो गुणते इसका करेंगे तो देखिए 6 5 11 3 1 4 1 5, 5.1 दूड़ा करेंगे देखिए 2 1 2 5 2 9 10, 10.2 मीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10.2 मीटर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए कि उस आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात करिए। देखिए क्या पूछ दिया, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, विकर्ण भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैंने एक आयत बना लिया, अब कह रहा है कि इसका मान लेते हैं एक आयत आपका ए बी सी डी है, नाम भी दे देते हैं। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल विकर्ण और परिमाप ज्ञात करना, जिसकी संलग्न भुजा मतलब संलग्न एक दूसरे से लगी हुई भुजाएं, तो ये भुजा अगर हम उसको 12 मान लेते हैं तो ये आपका कितना होगा, 5 होगा क्या, मतलब लंबाई आपका 12 दिया है, चौड़ाई कितना दिया देखिए 5, इससे कंफ्यूज न हो जाइएगा संलग्न का मतलब, संलग्न मतलब एक दूसरे से सटी हुई भुजा, तो ये भुजा ये हो गई, इससे सटी ये वाला हो गई, या फिर ये भुजा इसको अगर 12 मानेंगे तो ये आपका 5 होगा, इसको 5 मानेंगे तो ये 12 होगा, या फिर इसको 12 मानेंगे तो 5 होगा, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए कि लंबाई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लंबाई आपका क्या है, आपका 12 क्या है सेंटीमीटर है, और चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया मेरे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपका क्या पूछा है, देखिए क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है देखिए लंबाई गुणित्व क्या होता है आपका देखिए चौड़ाई होता है, तो लंबाई, लंबाई कितना देखिए आपका 12, चौड़ाई कितना दिया देखिए 5, तो 12 × 5 = 60 वर्ग, देखिए सेंटीमीटर में दिया तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत का विकर्ण क्या आपका दिया है, अगला आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, अभी हम लोग प्रूफ किया था कर्डी में क्या था आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही था, तो लंबाई आपका कितना दिया देखिए 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 बार हम 144 प्लस 5 × 5 = 25, तो बराबर हो जाएगा करड़ी में 169 जब जोड़ेंगे तो बराबर 13 सेंटीमीटर, कितना आएगा देखिए 13 सेंटीमीटर जो आएगा आपका विकर्ण आएगा, किसका आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर आएगा, 144 में 25 जब जोड़ेंगे 5 × 4 = 9 × 4 = 2 = 6 169 आता है। अगला आपका क्या है देखिए परिमाप क्या है आपका देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों 2 कर्डी में लंबाई और प्लस क्या होता है आपका देखिए चौड़ाई होता है, तो बराबर 2 लंबाई, लंबाई कितना दे देखिए 12 दिया है प्लस चौड़ाई कितना दिया देखिए 5, तो हो जाएगा देखिए 2 × 12 = 5 = 17 × 2 = 9 कितना हो जाएगा देखिए 34 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका परिमाप दिया है 34 सेंटीमीटर। अगर नहीं समझ में आ रहा देखिए परिमाप का मतलब ये देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 12 है तो ये 12 होगा, 12 × 12 = 24 और 5 = 29 और 5 कितना हो जाएगा आपका 34, ऐसे भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग वर्ग पे आधारित क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वर्ग अगर हो गया तो इसकी एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर दे दिया तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये एंगल आपका 90 अंश का होगा, यही मैंने बताया था क्या। तो कह रहा उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितना दिया है मेरे दोस्तों, भुजा बराबर दिया देखिए आपका 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का होल स्क्वायर, तो भुजा कितना देखिए 5 5 का अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, किसमें दिया सेंटीमीटर में दिया होता है तो आप लिख लेंगे वर्ग सेंटीमीटर, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, तो इसको मैं अगर चित्र बनाऊं तो आपका वर्ग हो गया, समझने की कोशिश करिएगा कि आपका क्या हो गया, आपका एक वर्ग हो गया। अब कह रहा है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, अब कह रहा है उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए, भुजा का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया, देखिए 16 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो 16 दिया है। अब आपको भुजा का स्क्वायर दिया है, आपको भुजा पूछ रहा है, तो भुजा बराबर करेंगे, ये जाएगा इधर जाएगा तो करड़ी में हट जाएगा क्या, तो क्या ये भुजा बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 16। जब ये 2 इधर से आएगा तो ये इस पर करड़ी लग जाएगी क्या, लग जाएगी, तो भुजा बराबर आपका आएगा देखिए 4 सेंटीमीटर। जब वर्गमूल देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कर निकालना सिखाए हैं। अब इसमें 16 का अगर आपको नहीं समझ में आता, गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो इसमें क्या होता है, 2-2 का पेयर बन जाता है और एक पेयर से एक जोड़ा बाहर आ जाता है, 2 इस ये वाला 2 में से एक जोड़ा बाहर, 2 दूना 4 आया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कि एक वर्ग का विकर्ण 10 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा एवं परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्ग में बना करके एक चित्र बताता हूँ, ये आपका वर्ग हो गया। अब ये जो होता है इसका विकर्ण होगा ये वाला, तो ये वाला जो विकर्ण होता है इस भुजा और इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो वर्ग के विकर्ण का मेरे सूत्र क्या होता है, भुजा करड़ी में 2 आपको बताया था। तो देखिए वर्ग का, देखिए वर्ग का विकर्ण यहाँ लिख लेंगे, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर कितना, देखिए 10 करड़ी में 2। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए कि भुजा करड़ी में 2 बराबर यहाँ पे दिया है 10 करड़ी में 2, इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, ठीक है। जब इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा तो देखिए भुजा अगर आप याद करें तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, भुजा हो जाएगी। तो भुजा मिल गया, अब परिमाप कह रहा है। तो भैया वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, जब भुजा मेरे को मिल गई तो एक भुजा ये वाली भी 10 हो गई, ये वाली भी आपकी 10 होगी, ये वाली भी 10 होगी और ये वाली भी 10, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जब बराबर होती हैं तो बाहर बाहर का योग कर दिए 10 20 30 40, या फिर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणते भुजा। परिमित का मतलब होता है बाहरी माप, मतलब माप, तो बाहरी माप यही ना है 10 20 30 40, तो कर लेंगे 4 गुणते 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, क्या है आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, देखिए कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, अब समझने की कोशिश करिएगा, एक आपका वर्ग है और थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं, ये आपका 9 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो भाई 9 सेंटीमीटर ये भी इसकी लंबाई होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, अब ये भी होगी। अब इसमें से कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, अगर इसी में से यदि मैं 3 सेंटीमीटर भुजा का अगर क्या करूं, एक वर्ग ऐसे काटूं, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर लंबाई, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। अगर इसमें से मैं अगर वर्ग काटूं तो टोटल कितने वर्ग आपके आएंगे, तो सबसे पहले मैं बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लूं, अब इस छोटे का क्षेत्रफल मैं निकाल लूं, छोटे का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो इसके बड़े में से इसका भाग दे दूंगा तो क्या मेरे को पता चल जाएगा, क्या आपको बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, अब समझने की कोशिश करिए, इसे समझिएगा। ये इसकी लंबाई मान लेते हैं भाई 20 मीटर है, यदि मैं इसको 2-2 मीटर पर से इसे काट रहा हूं, ठीक है 2-2 मीटर का अगर मैं काटूं, या फिर 2-2 मीटर पर इसको मैं काटूं, तो इसके टोटल कितने टुकड़े होंगे, टोटल कितना टुकड़ा होगा, तो 20 में से इस 2-2 का हम भाग देंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे मेरे हाथ में ये समझिएगा कि 10 लीटर दूध है, समझिए एकदम व्यवहारिक और लॉजिकली आपको बताता हूँ कि 10 लीटर दूध है, और 10 लीटर दूध को यदि मैं 2-2 लीटर के लीटर से, 2-2 लीटर अगर मैं लीटर से इसको नापूँ तो टोटल मैं कितनी बार में नापूंगा, तो 10 है तो 2-2 से मैं नाप रहा हूँ तो 5 बार में नापूंगा ना, पहली बार निकालूंगा 2 लीटर, अब 8 लीटर बचा, फिर दूसरी बार निकालेंगे 4 लीटर, फिर तीसरी बार 6 लीटर, चौथी बार 8 लीटर, पांचवी बार 10 लीटर, तो 2 का भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, क्या 5 आया, क्या 5 आया, जो मैंने आपको बात बताई वो समझ में आई क्या? ये बातें जब आपको समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, सबसे पहले बड़ी बड़ी भुजा जो है ना आपकी इतना है, तो बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा की लंबाई बराबर कितना है, देखिए 9
सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा जो है आपका वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का इसे लिखेंगे बड़े, बड़े वर्ग, ये बड़ा आपका वर्ग बना ना, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल में, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 81 वर्ग सेंटीमीटर। ये समझ में आया, ये बातें समझ में आई। अब छोटी भुजा जो 3 सेंटीमीटर से नापी जा रही है, तो छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई बराबर कितना है, देखिए 3 सेंटीमीटर, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो अपने आप में एक वर्ग है, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भुजा का स्क्वायर ही होगा, भुजा का स्क्वायर, तो छोटी भुजा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, तो वर्गों की संख्या कुल काटे गए वर्ग, यही होगा काटे गए वर्ग की संख्या, यही होगा मेरे दोस्तों। तो कुल काटे गए वर्ग की संख्या आपके क्या हो जाएगी, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, यही होगा ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटा के छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, देखिए 81 है, 81 वर्ग सेंटीमीटर है, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, देखिए 9 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर से, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका देखिए ये कट जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 9 81, तो टोटल कितने वर्ग आपके काटे जाएंगे मेरे दोस्तों, 9 वर्ग काटे जाएंगे, कितने 9 वर्ग काटे जाएंगे। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है, तो अगर आप ऐसे ही अगर काटना चाहें 3-3 सेंटीमीटर का इसमें से, तो देखिए ये आप काटेंगे 1-2, फिर ऐसे ही मान लेते हैं ऐसे काटेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा इसकी लंबाई और बढ़ा देता हूँ, अगर 9 है तो 3-3 का मैं लेता हूँ, तो ये आपका ये होगा 1 वर्ग काटा गया, फिर ऐसे ही 2 वर्ग काटा गया, फिर ऐसे ही आपका देखिए 1-2-3 वर्ग काटा गया। अभी देखिए 3 ही सेंटीमीटर था, 1-2-3 वर्ग काट लिया गया। अब अगले में अगर मैं बढ़ता हूँ, अगर ऐसे मैं बढ़ जाऊँ, तो एक वर्ग यहाँ से काट लिया जाएगा, एक वर्ग इतना ही काट लिया जाएगा, एक वर्ग, तो देखिए 1-2-3 वर्ग काटा गया, देखिए 3 बाई, देखिए इसमें से काटा गया 3, 4, 5, 6, अब देखिए 7, 8, 9, तो देखिए 3 बाई 3, देखिए इसकी लंबाई देखिए 3 बाई 3 है, देखिए ये 3, 6, 9, फिर काटा गया, देखिए ये भी 3 है, ये भी लंबाई इधर 3 मान लिया, देखिए इधर टोटल 9 है, तो 3 इधर बट गया, 3 ये हो गया, 6, 3 इधर में हो गया, तो देखिए 1-2-3, देखिए 3 का और ऊपर भी 3 ले लीजिए, 3, 6, 9 होगा, तो देखिए 3 होगा, तो देखिए 3 बाई 9 में 3 का 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। ये प्रश्न जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए एक और अच्छा तगड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, वे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, यह जो प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से 95% इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 95% इसकी संभावना है एग्जाम में आने की। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे और ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही आरामदायक क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मजेदार, बहुत ही सरल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है, इसका मतलब देखिए 15 मीटर और 12 मीटर दे दिया, इसका मतलब वो है क्या, आयताकार आंगन है, स्पष्ट देखिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपका अलग अलग दे दिया, तो मान लेते हैं ये आपका आंगन मैंने बना लिया, इस हिसाब से मैंने बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसकी लंबाई मान लेते हैं ये आपका 15 मीटर दिया है, ये 15 मीटर दिया है, ये कितना दिया आपका, देखिए 12 मीटर दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए कि आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत इतने रुपए हो। अब सबसे पहले अगर हम चौके बिछा रहे हैं, तो इस आंगन में टोटल कितने चौके बिछाए गए ये हम ज्ञात करेंगे, कि इस आंगन में हमने टोटल कितने चौके बिछाए, तो सबसे पहले हमें चौकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। अब जितनी संख्या आएगी उस संख्या में आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना कीमत आएगी। तो सबसे पहले इस आंगन में क्या कर रहा है, देखिए 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार,
अब 30-30 सेंटीमीटर, यहां देखिए 12 मीटर है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है आपका देखिए सेंटीमीटर में है, तो एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है, तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो यहां क्या हो जाएगा देखिए 1500 सेंटीमीटर, यही होगा 1500 सेंटीमीटर होगा। ये 12 मीटर है तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 12 मीटर है तो यहीं पर रहने दीजिए, इसको नीचे लिख लेते हैं 1200 सेंटीमीटर, क्यों होगा, क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या कहा 30 सेंटीमीटर वर्गाकार, नाम तो 30x30 का ऐसे हम आपका वर्गाकार बिछाएंगे, ऐसे ही आपका देखिए 30x30 मान लेते हैं, ये 30x30 का ऐसे ही बिछाया जा रहा है, तो टोटल मान लेते हैं आपका बिछा दिया गया, तो उसकी टोटल संख्या क्या होगी, पहले इसके टोटल का आयतन ज्ञात कर लें और इसका आयतन ज्ञात कर, सॉरी टोटल का ये जो आयत है इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, वर्गाकार जो आंगन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इसके बाद ये जो आयताकार आंगन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, इसके बाद आपका 30 सेंटीमीटर जो वर्गाकार आपका जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, टोटल क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल यदि मैं क्या करूं भाग दे दूं तो आपका टोटल चौकों की संख्या पता आएगी, जिस प्रकार से आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो सबसे पहले आपको क्या दिया देखिए, तो हम निकालेंगे कि आंगन का क्षेत्रफल, और आंगन कैसा है देखिए आपका आयताकार, तो लिख लेंगे यहां पर लंबाई, आपको पहले सबसे पहले लिख लेंगे लंबाई कितना देखिए 15 मीटर बराबर कितना लिख लेंगे 1500 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए कि देखिए इसका जो आंगन का जो है 30 सेंटीमीटर वर्गाकार है, तो उसको या तो फिर मीटर में बदलेंगे तो फिर वही आपको करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो लंबाई और चौड़ाई कितना दिया था मेरे दोस्तों, चौड़ाई आपका दिया है देखिए 12 मीटर दिया है, बराबर कितना हो जाएगा देखिए 1200 सेंटीमीटर, 1200 क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको कार्य करेंगे आंगन की लंबाई और चौड़ाई इतना है तो आंगन का क्षेत्रफल लिख लीजिए या फिर आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, आयताकार, अब ये मत कहिएगा कि यहां पर आयताकार कैसे लिख दिया, हमें खुद ही जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया है तो वह आयत ही तो होगा, जब आयत ही होगा तो आयताकार आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लंबाई गुणुत्व क्या हो जाएगा आपका देखिए चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई कितना दिया देखिए 1500, गुणुत्व चौड़ाई कितना दिया देखिए आपका 1200, इतना होगा, तो 15 बरहन कितना होगा 15 दूना 30 15 3 18 180 होगा, इसमें 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0, तो इतना क्या हो जाएगा आपका देखिए वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा आपका देखिए वर्ग सेंटीमीटर होगा, आयताकार आंगन का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए ये जो चौका है वो किस है, 30 सेंटीमीटर का वर्गाकार पत्थर है ना, तो अब 30 सेंटीमीटर वर्गाकार चौके का आयतन, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार, देखिए वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर, यहां लिख लेंगे देखिए भुजा का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों होल स्क्वायर, तो भुजा क्या आपका देखिए 30 है, 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए 900, कितना होगा देखिए 900 वर्ग सेंटीमीटर, यही होगा। अब अगर इसके आगे अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा देखिए कि चौके बिछाने पर हम ज्ञात करेंगे टोटल वर्गाकार चौकों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं देखिए यहां पर एक लाइन खींच देते हैं वर्गाकार चौकों की संख्या, किसकी चौकों या फिर वर्गाकार पत्थर के चौकों की संख्या या फिर वर्गाकार चौकों की संख्या भी लिख देते हैं, चौकों की संख्या बराबर आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, बराबर क्या लिख लेंगे आयताकार या फिर सीधे लिखिए आंगन का क्षेत्रफल बटा के किसका क्षेत्रफल, चौके का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना दिया देखिए आपका 1 8 1 2 3 4 5, यही होगा 2 4 5 इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिख लेते हैं वर्ग सेंटीमीटर बटा के ये कितना देखिए 900 है ना,
यहाँ पर लिख लीजिए 900 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि क्या ये मेरा वर्ग सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर कट जाएगा? क्या कट गया? अब देखिए ये 2 शून्य से आपका ये 2 शून्य आपका कट जाएगा, तो 9। अब यहाँ पर आपका आएगा कितना? देखिए कि 100 यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 18,000 बटा के 9, तो 9 × 18 तो आपका आएगा कितना? बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2000। वर्गाकार चौकों की संख्या कितना है? देखिए 2000। तो आपसे क्या कह रहा है कि क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत इतनी हो? तो हम लिख लेंगे 2000 चौकों की कीमत। इन्हें पूछ रहा है कि देखिए कि यदि 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने में क्या खर्च होगा यदि एक चौके की कीमत इतने रुपए हो? ठीक है, तो कुल चौके बिछाने में लगा खर्च, यहां पर हम लिख लेंगे कुल वर्गाकार पत्थर के चौके बिछाने का खर्च बराबर कुल चौकों की संख्या, चौकों की संख्या गुणते क्या होगा एक चौके की कीमत, एक चौके की कीमत। तो बराबर चौकों की संख्या भी हम लोगों ने निकाला कितना? 2000। यहां लिख लेंगे, देखिए 2000 गुणते एक चौके की कीमत। तो भैया एक चौके की कीमत कितना? 0.50 रुपए, 0.5 रुपए। अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? देखिए 1000 रुपए। कितना आएगा? 1000 रुपए, क्योंकि देखिए 0.5 है तो क्या इसको 1/2 आप नहीं लिख सकते हैं? तो यहां अगर आप चाहें तो यहां पर भी ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2000 × 1/2, तो जब काटेंगे 2 से 2 1 कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? देखिए 1000 रुपए। तो यह जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जैसा कि दोस्तों आयत एवं वर्ग के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन आपका देखिए फर्स्ट और सेकेंड परिभाषा पूछा है, जो परिभाषा मैंने ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है। तो तीसरे नंबर से क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 8 और 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है? एक आयत है। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? एक आयत है, मैं आयत बना लेता हूं। अब इसका कह रहा है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर देखिए जिसकी लंबाई मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्तों लंबाई गुणते क्या होता है? चौड़ाई। यही होता है, ऊपर लिख लीजिएगा आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर यहां हो जाएगा। देखिए 8 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 40 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 40 वर्ग सेंटीमीटर। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या करा? देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों सब कुछ यहीं पर आपको रहना ही है, बस इसमें हमको क्या करना है? चेंजिंग कर देना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। अब कह रहा है लंबाई इसमें देखिए 9 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, कहने का मतलब ये लंबाई जो है ये 9 सेंटीमीटर आपका दिया गया है, आपका चौड़ाई क्या कह रहा है आपसे पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया? देखिए 36, तो यहाँ पर देखिए 36 दिया है। लंबाई कितना? देखिए 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 दे दिया है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, तो आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, और यदि लंबाई पूछ दे चौड़ाई पूछ देगा तो वो हमेशा सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए यदि किसी आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग चीजों को चेंज कर देंगे। अब वहां पर देखिए आयत का परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी, परि मतलब बाहरी, माप मतलब मेजरमेंट, माप होता है। तो देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? आयत का परिमाप कितना दिया दोस्तों मेरे? आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर।
तो आयत के पर में आपका फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट में लंबाई और प्लस क्या होता है चौड़ाई, यही होता है। अब बराबर दिया आपका देखिए 28, तो ये इससे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 14। कैसे कटेगा, ये दो जब इधर भाग में जाएगा तो 28 बटा के दो हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर इसकी देखिए एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलिए एक भुजा आपका दिया है, मान लेते हैं लंबाई ही दे दिया है आपका 8 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा 14। तो चौड़ाई अगर हम यहाँ से ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 14 माइनस 8 तो चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि उसकी एक भुजा जो है आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जब एक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है तो मान लेते हैं लंबाई 8 दे दिया है तो चौड़ाई आपका 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब आपका आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई गुणते क्या होता है आपका चौड़ाई होता है। क्या लंबाई अगर मान लेते हैं 8 दिया है तो हम यहाँ पर 8 कर देंगे, चौड़ाई दे दिया 6, तो 8 के 48, देखिए किसमें आपका दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर आप तो ऐसे लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कर लेंगे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि 6वां क्वेश्चन, यदि किसी आयत का नहीं किसी आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो कुछ भी आपको नहीं करना है, बस देखिए आपको परिमाप आपको ज्ञात करना है, चीजों को बस आपको यहाँ पर सिर्फ रखने हैं। यहाँ पर देखिए अब आपका देखिए एक बार आपका लंबाई क्या दिया है, देखिए एक बार लंबाई देखिए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ये आपका 10 दिया है और ये 3 दिया है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है क्या, जब यही होता है तो आपका हो जाएगा देखिए 2 लंबाई हो जाएगा 10 प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 3, 10 3 कितना हो जाएगा 2 गुणते 13 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 26 सेंटीमीटर, ना कि वर्ग सेंटीमीटर करिएगा, क्योंकि लंबा ये परिमाप क्या होता है, इसको नापेंगे इसको नापेंगे इसको नापेंगे, इसमें 10 3 13 13 10 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर सिर्फ होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जब आपका ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा, तो आपका आप परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं करना बस इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए, लंबाई की जगह आप 3 रख दीजिए, चौड़ाई की जगह आप 2 लिखिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 गुना के 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी जल्दी आसानी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप समझ भी रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई व क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए सिंपल बात तरीका समझिएगा, एक आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई मान लेते हैं ये आयत की ये लंबाई हो गई 16 दे दिया, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, और इसका परिमाप कितना दिया देखिए 40 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं देखिए इतना आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर, देखिए 40 सेंटीमीटर बराबर लिख सकते हैं 2 और लंबाई आपका 16 दिया ही है, लंबाई प्लस, सिर्फ आपको रखना है दोस्तों और कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इसके मान में रखना है। तो देखिए अब ये 2 से आपका ये कट जाएगा 2 विषम 40, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए ये 2 जो होता है इसमें बाद में बटा के 2 आ जाएगा, 40 में 2 का भाग देंगे फिर भी आपका आएगा, तो देखिए चौड़ाई आपको ज्ञात करना है ना, तो 16 प्लस चौड़ाई बराबर इधर देखिए 20 आ जाएगा, तो अगर आप चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो देखिए चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 20 माइनस 16 आ जाएगा, तो 20 में से यदि आप 16 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब आ गया तो क्या आप आयत का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करें, देखिए चौड़ाई आपसे पूछा था, चौड़ाई हमने निकाल लिया, अब आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, देखिए क्या पूछ रहा है देखिए क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई अगुणते क्या होता है चौड़ाई, यही होता है क्या, तो लंबाई आपका कितना दिया देखिए 16 और चौड़ाई कितना दिया देखिए हम लोग निकाला 4, तो 16 चौक कितना हो जाएगा आपका 64, देखिए वर्ग सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा किसमें हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं आयत से, हम लोग किस में आ जाते हैं आपका वर्ग में आ जाते हैं, यदि उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर तो ये भी आपकी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है 90 अंश का होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग
का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा का क्या होता है आपका? होल स्क्वायर। तो भुजा कितना होगा? देखिए 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 वर्ग। किसमें दिया? देखिए सेंटीमीटर में दिया है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आंसर हो जाएगा। या सेंटीमीटर का आप स्क्वायर भी कर देंगे वर्ग को लिख करके, तो वही बात होती है। दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए कि ये जो लंबाई हो क्या हो आपका 11 जब हो तब क्या होगा? ये देखिए, जब जो लंबाई आपकी ये है, ये यदि आपका 11 हो तब आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब ये आपका 11 अगर होगा, ये 11, ये 11, ये 11, ये 11, भाई वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा आपका 11 दिया, इसका मतलब सभी भुजा क्या होगी आपकी? 11 होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 11 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 11 कितना होता है? 121 क्या हो जाएगा आपका? देखिए वर्ग किसमें है आपका? देखिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगले जो आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आठवें क्वेश्चंस में, यहां से जितने भी क्वेश्चंस हैं 9, 10, 11 आठवें क्वेश्चन के बाद, ये सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में ऐसा आता ही आता है। और आप लोगों से वादा करता हूं, अगर अच्छी तरह से इस क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपका 100% मार्क 25 में 25 लाने से कोई रोक नहीं सकेगा दोस्तों। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए आपका क्या कारण, नवा क्वेश्चंस कि एक वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वर्ग अगर होगा, कोई वर्ग है, ठीक है, अब उसका क्षेत्रफल कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं कि वर्ग की ये जो लंबाई है एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये भी एक्स है, भाई वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी एक्स, 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 मान लेते हैं कि वर्ग की लंबाई है एक्स है, ठीक है, समझिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब भुजा को दो गुना कर दें। मान लेते हैं ये भुजा अगर x थी तो x को दो गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा, यही होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्तों? भुजा का स्क्वायर ही होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए पहले प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था? x स्क्वायर, अब कितना हो गया? 4x स्क्वायर, यही हुआ ना। तो कितने का अंतर हुआ? अंतर देखिए इन दोनों में वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि बराबर मतलब कि न्यू क्षेत्रफल, या फिर ये जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं तो न्यू क्षेत्रफल माइनस माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो देखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका क्या था? देखिए एक्स स्क्वायर था, और न्यू जब लंबाई को दो गुना कर दिया गया तो आपका क्षेत्रफल क्या हो गया? देखिए 4x स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे? देखिए 4x स्क्वायर में से प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था आपका? एक्स स्क्वायर को घटा देंगे, कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा आपका? देखिए 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर की आपको वृद्धि हुई, 3x स्क्वायर की क्या हुई आपकी? वृद्धि हुई। लेकिन आपसे अगर पूछ देगा कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, अगर ऐसे ही पूछ सकता है, तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल में क्या बोलेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोल लिख देंगे कि जो क्षेत्रफल होगा 3 की क्या हो जाएगी? उस पर वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 3 की वृद्धि हो जाएगी। अगर उसमें पूछा कि इसको प्रतिशत में बदल लो, प्रतिशत में इस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए प्रतिशत में आपको निकालना होगा अगर इसको, तो देखिए कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि बटा के प्रारंभिक क्षेत्रफल, अगुणित क्या करेंगे हम 100, यहां लगा देंगे आपका प्रतिशत, तो बराबर वृद्धि कितने की हुई मेरे दोस्तों? 3x स्क्वायर की। अब ये बताइए 3x स्क्वायर की अगर आपकी वृद्धि हुई है तो वो वृद्धि किस पे हुई है? एक्स स्क्वायर से बढ़कर के ये 4 हुआ ना। देखिए पहले आपका एक्स स्क्वायर था, अब बढ़कर के ये 4x स्क्वायर हुआ, तो ये एक्स से ये कितना बढ़ा? देखिए 3x स्क्वायर बढ़ा, क्या कितना बढ़ा? 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर बढ़ा किससे मेरे दोस्तों? एक्स स्क्वायर से ना, तो एक्स स्क्वायर से बढ़ा। अब इसमें हमको क्या करना है? 100 का गुणा कर देना है। क्या करेंगे हम लोग? 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा देंगे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 300 प्रतिशत।
कितना हो जाएगा देखिए 300% की क्या हो जाएगा आपकी वृद्धि होगी। जब किसी भी वर्ग के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाएगा तो उसमें कितने की वृद्धि होगी देखिए 300% की। अब कुछ भी कर लीजिए, अगर यहां पर मान लेते हैं आपका ये 2x था, कितना था आपका देखिए, अगर मान लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल अगर आपका 2x था, ये भी आपका 2x था, तो क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, 4x² होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल। मान लेंगे कि आपका क्षेत्रफल 2x था, अब उसकी दोगुना कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल को अगर हम दोगुना करेंगे, इसका मतलब लंबाई को तो 2 × इसमें 2x करेंगे और इसमें भी क्या करेंगे 2 × 2x करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा देखिए 4x, ये भी कितना हो जाएगा आपका देखिए 4x। यही होगा क्या, जब 4x हो जाएगा तो अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा देखिए 4x² हो जाएगा, 4x क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर जब होगा तो इसको हम निकालेंगे तो 4 × 6 कितना हो जाएगा आपका देखिए 16x² कितना हो जाएगा आपका देखिए 16x² होगा। अब अगर हम वृद्धि निकालें तो टोटल कितने की हमारी वृद्धि हुई, तो 16x² में से हम क्या करेंगे, यहां देखिए 16x² में से हम कितना लिखाएंगे करेंगे 4x² घटा देंगे, कितना घटा देंगे 16x² में से हम 4x² घटा देंगे, और जब घटाएंगे 16 में से 4 तो आपका आएगा कितना देखिए 12, कितना आएगा 12x² आएगा। अब अगर इसको हम प्रतिशत में अगर बदलें, चलिए इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी मान लीजिए उतना ही आपका आएगा। अब प्रारंभिक देखिए वृद्धि कितने की हुई, अब बताइए अगर आपका जब 4x² था, 4x² से अगर आपका 16x² हुआ है तो ये कितने की वृद्धि हुई है, 12 की हुई है, 12 की वृद्धि हुई है। अब ये बताइए 12x² हमने लिखा, अब ये जो वृद्धि हुई है 12x² की, वो हुई तो किसने पे हुई है, तो भैया 4x² से बढ़कर के 16x² हुआ ना, किससे बढ़कर के हुआ है 4x² से, 4x² से। अब इसमें हमको क्या करना है, 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ प्रतिशत लगा दी, देखिए x² कट गया, 4 × 3 = 12, 3 का 100 में गुणा करेंगे फिर भी आपका क्या आएगा देखिए 300%, तब पर भी आपका कितना आएगा 300% आएगा। ये बात समझ में आपको आ गई। अब दूसरा कह रहा है कि यदि भुजा को हम आधा कर दें, यदि भुजा है अगर उसको हम आधा कर दें तब क्या होगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जब भुजा को आधा कर दिया जाए तब क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं x था, मान लेते हैं x था, तब इसका अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, भुजा क्या x का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए जब भुजा को आधा कर दिया जा रहा है तब इसका मान क्या आ रहा है, देखिए तो x बटा के 2 हो जाएगा, ये भी x बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इतना का हो जाएगा तो देखिए बराबर देखिए तो x बटा के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए नया वर्ग का क्षेत्रफल कर रहे हैं, ये पुराना है आपका, ये नया है, नया जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा देखिए x स्क्वायर बटा के आपका 4 हो जाएगा। अब ये बताइएगा इसमें से हम लोग यहाँ करेंगे वृद्धि होगी या कमी होगी, देखिए यहाँ पर हम करेंगे वृद्धि होगी या कमी, इस चीज़ को हमको इंडिकेट करना है यहाँ पर। तो नया क्षेत्रफल क्या आपका देखिए x² - 4 है, x² / 4 है, हमेशा नए के क्षेत्रफल में से पुराने को घटाएंगे तभी आपको पता चलेगा वृद्धि हुई है या कमी हुई है। देखिए x² / 4 - प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या था देखिए x² / 1 कर लेंगे। अब जब तिर्यक गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा x² - 4 का x² में करेंगे तो 4x² / क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो बराबर इसमें से कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक में से 4 घटाएंगे तो -3x² / 4 आएगा, मतलब माइनस में दर्शा रहा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ है, कमी होगी कि वृद्धि होगी, कमी होगी दोस्तों, क्या होगी, माइनस का मतलब क्या होगा, कमी होगी। और अगर हमें पूछ दिया कि कितने प्रतिशत की कमी हुई तो देखिए सिंपल तरीका आपको क्या करना है, प्रतिशत कमी बराबर कमी वाली राशि, तो कमी वाली राशि कितना भैया 3x² / 4, तो देखिए 3x² / 4 यहाँ लिख देंगे कमी होने का मतलब, देखिए यहाँ कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो कमी वाली राशि बटा के प्रारंभिक राशि, तो प्रारंभिक राशि आपका क्या था देखिए x² भैया x, मैं ये कह रहा हूं कि x² से ये आपका कितना हुआ है, देखिए कितने की कमी हुई है, देखिए x² / 4 हुआ, देखिए x² / x², हमारे कहने मतलब मेरे पास x₹ है, अब मेरे पास x²₹ है, तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, जरा मेरे बताइए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। अब एक रोटी है, एक रोटी का ये 4 भाग है, चौथा टुकड़ा है, अब ये एक रोटी है इसके पास, इसके पास एक रोटी का ये 4 भाग है ना, ये वाला बस पार्ट इसके पास है, अब बताइएगा ये कमी हो रही है क्या वृद्धि, ये तो कम है, अब हम पता करिए इससे कितना कम है, तो 3/4 कम है, ये हमने निकाला था ना कि 3/4 की कमी है, जब कमी निकालेंगे इसमें से इसको घटा दीजिए 3/4, अब ये कमी हुई है 3/4 तो किस पे हुई है, इस पे हुई है, यहाँ पर लिख देते हैं 3x² / 4 यही ना, x² / 4 है, तो जब ये कमी हुई है 3/4 की, ये
किसने पे कमी हुई, एक्स स्क्वायर पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब इसको प्रतिशत में अगर आपको बदलना हो तो 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब 3/4 है तो यहाँ पर ऐसे अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 3/4 अगर उत्ते क्या हो जाएगा आपका, देखिए 100, तो कितना हो जाएगा 25 × 4 = 100, तो कितना हो जाएगा 25 × 3 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 75, 75% की क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, कमी हो जाएगी। क्या होगी यहाँ पर 75% की कमी होगी, ना कि वृद्धि होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 वर्ग मीटर में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बात एक बात बताइएगा कि क्या है, देखिए 8 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर मतलब इसको हम लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर, यही कह रहा है। अब इसको मीटर के स्क्वायर को अगर हमको सेंटीमीटर में अगर चेंज करें तो कितना सेंटीमीटर होगा, तो क्या 1 मीटर में, जैसे मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या 8 × यहां हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना होता है मेरे दोस्तों 100 सेंटीमीटर होता है। या फिर यहां मीटर स्क्वायर है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर यहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, यह चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं, देखिए कि 8 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं, देखिए मीटर × मीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो देखिए 8, तो 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां कर लीजिए, देखिए 100 सेंटीमीटर × यहां भी मीटर है तो यहां लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर। कह रहा है वही ना, पूछ रहा है कि वर्ग सेंटीमीटर की संख्या ज्ञात करिए, तो हम कर लेंगे, देखिए 8 × 100 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 10,000, कितना आएगा 10,000, और सेंटीमीटर का जब हम सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या फिर वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये बात समझ में आई आपको, जब इतनी बात आपको समझ में आई तो हो जाएगा देखिए 80,000 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई आपको, कैसे हुआ मैं आपको फिर से समझा देता हूं। इसने कहा कि 8 वर्ग मीटर, वर्ग देखिए 8 वर्ग मीटर का मतलब ये होता है, देखिए कि 8 मीटर का स्क्वायर ये होता है, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। तो जब 8 1 मीटर में, ये देखिए मीटर है कुछ नहीं तो 1 मीटर हो सकता है ना, यही हो सकता है ना, तो अब आप ये बताइएगा 1 मीटर में आपको कितना सेंटीमीटर होता है, 100, यहाँ लिख देंगे 100 × सेंटीमीटर क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर कर देंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तब तो आपका वर्ग सेंटीमीटर आएगा, या मीटर स्क्वायर है तब तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आ रहा, देखिए मीटर में हमने 100 का सिर्फ ही रखा, जब गुणा करेंगे तो 8 100 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यही 80,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आपको आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा हो गया होगा। अब अगला देखिए, 1 वर्ग का परिमाप 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसमें आधारित मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए दोस्तों, आप लोग खुद से करके इस क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, यह जो चैप्टर है आपका 14 खत्म होता है, अब आपका सिर्फ 2 चैप्टर बचा है दोस्तों, और जल्द से जल्द मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।